राम राम। आज हम अध्याय 12 भक्ति योग का श्लोक नंबर 13 देखेंगे। ये है द्वे, इसको हम और क्लियर इधर देखेंगे, द और ये दिख रहा है हमको व। हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए व आपको पूरा दिख रहा है, मतलब द आधा है, देखिए द के नीचे हलंत है और व पूरा है। अब यहां पर हमारे है द्वे, तो ये द्वे का संधि विच्छेद कैसे होगा, द आधा सेम रहेगा और जो पूरा है व, उस व पे ए की मात्रा आ जाएगी, वे द्वे, ठीक है। अब अ के साथ द पढ़िए, अद्वे 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 अद्वेष्टा, शब्द को वापस पढ़ेंगे अद्वेष्टा। स व पे जो आधे र की मात्रा, ये जो ऊपर मात्रा है इसे बोलते हैं आधा र, र के नीचे हलंत। हम देखते हैं अधिकतर आधे अक्षर को पिछले वाले पूरे अक्षर के साथ पढ़ा जाता है, सर व पूरा, व के उच्चारण में अ मिक्स करिए, सर्व सर्व। भू, भू की मात्रा बड़ी इसलिए इसके उच्चारण में दीर्घ, हमको उच्चारण में ज्यादा समय देना है, भूताना। अब ना के ऊपर ये है अनुस्वार, शब्द के अंत में अनुस्वार है इसलिए इस अनुस्वार का उच्चारण होगा आधा म, म के नीचे हलंत, ठीक है। पहला चरण वापस देखेंगे, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, एक बार वापस, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। दूसरा चरण, म म पे ऐ की मात्रा, मैत्र मैत्र, ये है विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण इसके पिछले वाले अक्षर की मात्रा पे डिपेंड करता है, त्र में किसकी मात्रा है, अ की, तो इसको बोला जाएगा ह, मैत्र ह। करुणा एव च, व पूरा है इसलिए व में अ मिक्स करना, एव च, च भी पूरा है इसलिए च। दूसरा चरण वापस देखेंगे, मैत्र करुणा एव च, पहला और दूसरा चरण दोनों को हम साथ पढ़ते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एव च। तीसरा चरण, नी म पे जो मात्रा वो किसकी है, आधे र की, जो सर्व में थी ना, तो पहले ये आधा र नी के साथ पढ़े, निर ममो निर ममो नीर। ध्यान दीजिएगा पूरा अक्षर है उसमें अपने को अ का उच्चारण मिक्स करना है, निर्ममो नीर, र पूरा है ना इसलिए नीर। अब यहां से थोड़ा ध्यान दे, ह ह के बाद में ये क्या है, अणमणा कुछ नहीं, ठीक है, इसका उच्चारण हम इधर देख सकते हैं, गेरा ह और अणमणा कुछ नहीं, तो ये अण ह के ऊपर अनुस्वार लगा देगा, किसका, आधे न का, देखिए ये ह है, ह पे अनुस्वार लगा, ये अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा, आधा न, क्योंकि ये शब्द के बीच में आ रहा है, नीर हं कार ह, कार र पूरा है इसलिए र में अ मिक्स किया है, विसर्ग र में मात्रा अ की है इसलिए विसर्ग को ह पड़ा है, नीर हंकार ह, ये जो न है ये नाक से बोला जा रहा है, ध्यान दें, नीर हंकार ह। तीसरा चरण वापस, निर्ममो नीर हंकार ह, एक बार और, निर्ममो नीर हंकार ह। चौथा चरण, सम स भी पूरा म भी पूरा, सम दुख दुख, ख पूरा है, ख में अ मिक्स करना है, ख दुख सुख, ख भी पूरा है यहाँ पे भी, यहां पर क्या गया, विसर्ग, विसर्ग ख में मात्रा अ की, तो क्या पढ़ा जाएगा, सुख ह, सम दुख सुख। अब इस शब्द को देखें, इस अक्षर को क्ष, इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम, आधा क और पूरा श, आधे क को यहां मिक्स करिए,
क्योंकि आधा है वो पिछले वाले पूरे अक्षर के साथ जुड़ता है अधिकतर। सुखक सुखक और श से षटकोण वाला यहां रखिए क्षमी, सुखक क्षमी। चौथा चरण वापस ध्यान दे, सम दुख सुख क्षमी। देखिए विसर्ग भी नहीं छोड़ना है, आप ध्यान से सुने सुख क्षमी। पहले चरण से चौथा चरण सातवें उच्चारण, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण इव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी।